अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी खैरियत से होंगे, सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ सिंपल हैबिट्स है और रूटीन से आप अच्छे होममेकर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले सुबह जब मैं उठती हूँ कॉफ़ी वगैरह पी के, और आजकल क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो काफ़ी टाइम होता है मेरे पास सुबह, तो उठ के तैयार वगैरह हो के ना, तो सबसे पहले मैं अपना बेडरूम सही कर लेती हूँ। अब वैक्यूम करूँ ना करूँ, बाकी चीज़ें करूँ, लेकिन बेड मैं रेडी कर लेती हूँ। इससे ना आपको दो तीन चीज़ों में बड़ी हेल्प मिलेगी। जैसे अगर बेड आपका सही होगा, आप वापस जब अपने रूम में आएंगे तो सब चीज़ें क्लीन रखी होंगी और रेस्ट करने में आपको आसानी होगी। दूसरा ये कि आप जैसे लॉन्ड्री आपने की, मैं हर एवरी डे जो है एक लोड ऑफ लॉन्ड्री करती हूँ, तो जब बेड बना हुआ होता है तो लॉन्ड्री सारी एक ही जगह डंप करके और साथ साथ मैं फोल्ड करती जाती हूँ। मेरा जो बेडरूम है कुछ इस तरह से है कि मेरे पास वैनिटी वगैरह भी नहीं है और डेस्क भी नहीं है, तो बेड जो है ना मेरा काफ़ी यूज़ होता है। तो मैं बेड पे बैठ के ही जैसे हेयर स्टाइलिंग वगैरह भी करती हूँ, कभी कभी खड़े होकर वहाँ पे मेकअप भी करती हूँ क्योंकि लाइट वगैरह अच्छी आती है। तो मुझे जो है ना अपना बेडरूम, खासतौर पर बेड एरिया जो है ना, काफ़ी सही रखना होता है, वरना फिर ये है कि मैसी होता है तो फिर चीज़ें करने में ज़रा मुश्किल होती है। हमेशा जब भी टॉवल्स और बेडशीट्स वगैरह मैं धोती हूँ, खासतौर पे बेडशीट्स जो होती हैं, जैसे अब सेट पूरा धोया मैंने एक साथ, एक तो एक ही साथ मैं धोती हूँ, मतलब जैसे कवर पिलोस कवर हो गए और बेडशीट हो गई, उनको साथ साथ जो है ना आप जैसे एक बंडल बना के रखते जाएं। चाहे आप कितना भी फैंसी कर लें, लेकिन ये है कि साथ में रखने से उससे होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप चादर चेंज करेंगे तो आपको आसानी होगी और गिलाफ एक ही जगह रखे हुए होंगे, बस आपको चेंज करना होगा। हर दिन मेरा ऐसा होता है कि जैसे लोड कोई ना कोई लॉन्ड्री का ज़रूर करना होता है मुझे, तो किसी दिन जैसे बच्चों का होता है, और बच्चों में भी मैंने 3 दिन डिवाइड किए हैं क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है तीनों काफ़ी कपड़े निकालते हैं और आजकल समर ब्रेक है तो कुछ ज़्यादा ही कपड़े होते हैं, तो मैं हर किसी के एक एक दिन वॉश कर लेती हूँ। बाहर की लाइफ का बस ये एक मज़े भी हैं, लेकिन साथ में जो है काम भी बहुत करने पड़ते हैं और चीज़ें बहुत मैनेज करनी पड़ती हैं, तो अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज थोड़ी सी कर लो ना तो बड़ी आसानी होती है। मैंने बच्चों की क्लोज़ेट ना, मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैंने जो है ना नो फोल्ड सिस्टम रखा हुआ है। उसमें यह है कि जैसे अब मैंने दोनों के डिफरेंट कलर के बिन्स लिए ताकि दोनों को पता चले कि कौन सा बिन है, और इस मेथड को मॉन्टेसरी मेथड कहते हैं। तो उसमें होता है कि बच्चे अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, तो मैंने पूरे घर में ना इस तरह से रखा है कि बच्चे अपनी काफ़ी चीज़ें खुद कर सकते हैं, किचन में भी और क्लोज़ेट वगैरह में भी, रूम में भी, अपनी जो बेडिंग वगैरह है वो भी खुद ही जो है वो सेट कर लेते हैं। अच्छा करती मैं हूँ, जैसे बच्चों की मैंने लॉन्ड्री की तो उसी दिन जैसे मैंने धोया और उसी दिन सॉर्ट कर लेती हूँ। मैं पहले ही करती हूँ कि दोनों के कपड़े जिसके भी साथ में धोए मैंने उनको सेपरेट कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है वो इनके अलग अलग जो बिन्स है ना उसमें डायरेक्ट बस रखती जाती हूँ, हल्का हल्का रख फोल्ड करके। पूरा बहुत ज़्यादा मैं फोल्ड नहीं करती कि पूरा तय करके रखें, उससे होता ये है कि अब बच्चे वैसे ही जब कपड़े निकालते हैं तो वो सारे इधर उधर कर देते हैं, तो अगर मैं हर कपड़े को बहुत ज़्यादा फोल्ड करके रखूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा और फ़ायदा भी कोई नहीं होगा। कपड़े जैसे ड्रेसेस वगैरह ऐसे होते हैं उनको हैंग करना ही पड़ता है, तो चाहे आपकी क्लोज़ेट हो या बच्चों की, खासतौर पे गर्ल्स की, तो उनके ड्रेसेस होते हैं तो फिर उनको हैंग कर दें तो ज़्यादा सही रहता है। तो ड्रेस शर्ट्स और ड्रेसेस वगैरह ना मैं हैंग कर देती हूँ। अपना ना जैसे एक आप रूटीन बना लें कि इस दिन मैंने ये करना है, बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि मतलब एक दिन में आपको वही काम करने, आप एक जनरल सा रूटीन बना लें कि सुबह जैसे टाइम ब्लॉकिंग होती है कि 9 बजे से 12 बजे तक मुझे ये करना है, 12 से 3 बजे तक ये करना है, और फिर 3 से 4, और फिर रात का एक टाइम ब्लॉक बना लें। उससे आपका ये होगा कि आपने जो भी काम जैसे करने हैं ना वो मुश्किल वाले आप सुबह कर लें और जो रिलैक्सिंग वाले हैं वो दोपहर में कर लें। अब बर्तन धोने होते हैं, मुझे हमेशा 2 दफ़ा डिशवाशर लगाना होता है, तो सुबह उठ के मैं जल्दी से सबसे पहले ना डिशवाशर अनलोड कर लेती हूँ, वरना बर्तन मैं भूल जाती हूँ और फिर जो डिशवाशर खाली नहीं होता फिर लेज़ी होने लगती हूँ तो फिर काफ़ी बर्तन जमा हो जाते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि जो डिशवाशर में जाने बर्तन वो चले जाएँ। जैसे अगर कुछ बर्तन होते हैं वो आपने हाथ से धोने होते हैं और थोड़े जो है सोकिंग की ज़रूरत होती है, उनमें कुछ पक गया या जो है कुछ जल गया या कुछ भी है जिनको स्क्रबिंग की ज़रूरत होती है, तो आप उसको थोड़ी देर स्क्रब लगा के ना और भिगा दें थोड़ी देर, और उसके बाद जो है रात के टाइम पे आप उसको सारे वॉश कर सकते हैं। तो मैं यही करती हूँ, मेरे सारे ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं, तो उनको स्टेनलेस स्टील वाले तार से ना स्क्रब से मैं स्क्रब करके और फिर वॉश करके रखती हूँ।
जैसे मैं दिन में 2 दफ़ा किचन वाइंड अप करती हूँ, क्लीन करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है दिन भर काम हो रहा होता है तो इतना ज़्यादा तो क्लीन नहीं हो सकता दिन में, लेकिन रात में सोने से पहले एक दफ़ा सब चीज़ें मैं वाइंड अप करती हूँ, क्लीन करके फिर सोती हूँ। एक हैबिट जो मैंने अब बना ली है कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ़ूड बनाती हूँ और बाहर से कम खाते हैं, या जो टेक आउट होता है वो ज़रा कम करते हैं। अब उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं घर में ब्रेड बनाती हूँ, बच्चों की बेकरी आइटम हो गए, स्नैक्स हो गए। ब्रेड बनाने में इतना मज़ा आता है, पूरी जब बन जाती है ना इतनी सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने अपने हाथ से, चलो ब्रेड मशीन में सही या बेक करके, तो बनाया तो आपने घर में ही है ना, तो हमेशा जो है वो अब अच्छी बनती है। मुझे रेशियो पता चल गया है कि होल व्हीट की कैसे बननी है और ब्रेड वाली कैसे बनी है, दूसरी ब्रेड फ्लावर वाली। तो अब बड़ा मज़ा आता है काम करने में, क्योंकि अब चीज़ें पता चलती जाती है ना, ऐसा ऐसा प्रैक्टिस हो जाती है। वैसे तो खाना ज़ाहिर है मैं मील प्रेप करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आपने कुछ बनाया और वो बच गया, आप उसमें जो है समझ नहीं आ रहा आपको क्या करें, तो मैं आपको कुछ आइडियाज़ देती हूँ जिससे ये कि बचा हुआ खाना या लेफ़्ट ओवर्स होते हैं ना, उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैं लंच भी और डिनर वगैरह काफ़ी चीज़ें प्रेप करके रखती हूँ, तो मेरे पास कुछ ना कुछ अवेलेबल होता है। तो अब मैंने ग्रीन चिकन बनाई थी तो जो बच गई थी तो वो मैंने लंच के लिए रख ली थी, लेकिन मैंने कहा कि सिंपल रोटी के साथ मेरा खाने का दिल नहीं था, मैंने कहा कुछ और करके और उसको थोड़ा सा फैंसी कर लेते हैं। तो मेरे पास जो है रोटियाँ रखी हुई थी, कॉस्को से हम बाय करते हैं, चपाती का पूरा पैक आ जाता है। रोटी की जगह पराठा बना के भी खा सकते हैं, और जैसे वो हॉट डॉग वाला बन होता है ना, हैमबर्गर, वो भी अच्छा लगता है, या फिर नान ले सकते हैं, पीटा ब्रेड हो गई, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चिकन आपके पास बच गई, सालन बच गया या ड्राई सी चिकन है ना, आप रोटी लें, उसके अंदर आपने जो है चिकन रखनी है और जो है थोड़ी सी चीज़ डालनी है, जो भी आपको टॉपिंग्स अच्छी लगती हैं, साथ में अगर सैलड अच्छी लगती है, प्याज वगैरह हो गई, तो मुझे बस चीज़ ही मैंने डाली थी। और जो है आपने इस तरह से उसका बुरीटो बनाना है कि मतलब रोटी ज़ाहिर है वो उसके अंदर ही सब कुछ कंटेन रहे, और बीच में से उसको स्लाइस करके ना सॉसेस वगैरह डाल के उसको बस फोल्ड कर लें। ठीक है, जैसे रात में अगर आपने खाना खाया है, कुछ बच गया है, दोबारा वो खाने का दिल नहीं कर रहा, बोरिंग हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा स्टाइल चेंज करके पका लें, या फिर उसको किस तरह और तरह सर्व कर लें, तो वो बहुत अच्छा लगता है दोपहर के टाइम पे। तो मैं जब भी हमेशा खाना खाती हूँ या लंच करती हूँ तो मेरा ये फोकस होता है कि चावल भी हो, रोटी हो और चिकन सबसे ज़्यादा हो, या जो भी प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए और सलाद वगैरह हो। तो मैं ये करती हूँ कि जैसे अब कैसरोल थोड़ा सा बचा हुआ था चावल कीमे वाले, तो वो मैंने थोड़ा सा रखा है, एक रोटी रखी, साथ में कॉर्न का छोटा सा पीस रखा और क्यूकम्बर स्लाइसेस हो गए। इस तरह से एक हैबिट जो मैंने अब रेगुलरली करना शुरू की है, हफ्ते में एक दफ़ा कोई भी चीज़ मैं डीप क्लीन या डिक्लटर करती हूँ। आज मैंने सोचा कि बच्चों के टॉयज़ जो भी फैले हुए थे ना, वो आज सारे मुझे वाइंड अप करने थे, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं, ये लोग इतना ज़्यादा जो है वो गंदा करते हैं घर, और दिन में मुझे 3-3 दफ़ा सफाई करनी पड़ती है। तो मैंने कहा इन लोगों के टॉयज़ जो है ना, वो अब थोड़े से हाइड करती हूँ, जो टूट गए उनको फेंक देती हूँ, और बाकी कुछ वॉश भी हो जाते हैं ज़ाहिर सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह, उनको वॉश कर लेती हूँ। हफ्ते में आप एक दिन कोई ऐसा बना लें कि कोई भी एरिया डीप क्लीन करें, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के घर में ये सब तो होता है, और जिनको भी लगता है कि मेरा घर बहुत फैला हुआ है, तो मैं दिन में बहुत दफ़ा सफाई करती हूँ और मैं बॉदर नहीं करती है क्या आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं घर के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या करती हूँ अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो वो मुझे ज़्यादा सही लगता है। क्योंकि दिन में कोई 5 दफ़ा तो सफाई नहीं कर सकता, ज़ाहिर है बच्चे घर में हैं तीनों, तो वो जो है हर थोड़ी देर में जो है मैस होता ही रहता है। हर दूसरे हफ्ते ना मैं इन लोगों के टॉयज़ चेंज करती रहती हूँ, और कुछ ऊपर ले जाती हूँ, कुछ नीचे रख लेती हूँ, तो जो बच्चे रीसेंट जिस चीज़ से खेल रहे होते हैं ना, उसमें से 2-4 चीज़ें मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और फिर उनका ना एरिया बना लेती हूँ। तो ये आइकिया का मैंने ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, इसमें जो बिन्स लग जाते हैं, तो उसमें अलग अलग डिफरेंट बिन्स में रख देती हूँ, और फिर जब जिसको यूज़ करना होता है वो यूज़ करके वापस रख ले। ग्रॉसरी से रिलेटेड मैं आपको काफ़ी सारे जो है ऐसी चीज़ें बताती हूँ, हैबिट्स जो कि आप करेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। एक तो ये कि सबसे पहले आपने जाना है तो लिस्ट बना के जाना है, ऐसी बस ये नहीं कि मुंह उठा के चले गए, आपने शॉपिंग का दिल कर रहा है, क्योंकि इससे एक तो ख़र्चा भी बहुत होता है, टाइम ज़ाया होता है, और फिर जो चीज़ चाहिए होती है वो रह जाती है, और जो नहीं चाहिए होता, ख़ासतौर पर जो कॉस्को में जो नहीं चाहिए होता ना, वो उठा के ले आते हैं फिर। जब भी आप शॉपिंग करें ना, खासतौर पर ग्रॉसरी शॉपिंग, तो स्टोर जो ब्रांड होता है ना, वो हमेशा सस्ता होता है। आप अगर ब्रांडेड कोई चीज़ लेंगे ना, तो हमेशा 2-3 डॉलर ज़्यादा होगी, तो हमेशा कोशिश करें जो ब्रांड
की चीज़ रखी है ना उसको प्रेफर कर लें, जो जैसे जिस जैसे कॉस्को है तो क्रिकलैंड की चीज़ें सस्ती होंगी, और अगर दूसरा मार्केट ब्रांड लेंगे तो वो महंगा होगा। तो हमेशा कोशिश करते हैं हम प्राइस कंपैरिजन करके फिर लेते हैं। इसी तरह से ना बनाना मैं जब लेती हूँ ना तो एक पका हुआ लेती हूँ और एक जैसे बंच कच्चा लेती हूँ। जब तक पहला वाला ख़त्म होगा ना तो दूसरा वाला खाने के लिए रेडी हो जाएगा। गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है ना तो जल्दी जल्दी फ्रूट पक जाते हैं, तो हमेशा थोड़ा सा ये मार्जिन रखें कि थोड़े कच्चे ले लें और फिर जो है 2-3 दिन रखे रहेंगे तो वो जो है पक जाएंगे। इस तरह से ना जैसे आप ग्रॉसरी लेके आएँ और शॉपिंग करके आएँ, अगर फ़ौरन उसी दिन ना भी कर सकें तो सबसे पहले सुबह उठ के दूसरे दिन आपने यही काम करना है कि सारी प्रोड्यूस जो है जिस तरह भी आप अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जितनी जगह है आपके फ्रिज में उस हिसाब से जो है आप चीज़ों को क्लीन करके धो के और सेट कर लें। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी कि आप अपनी प्रोड्यूस को कैसे जो है क्लीन कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और किस चीज़ को कैसे स्टोर करते हैं। समर की वजह से कोई भी चीज़ अब जो है 2 दिन से ज़्यादा बाहर नहीं रहती, अब चाहे वो फ्रूट्स वगैरह हों या वेजीज़ हों, तो बहुत ज़्यादा तरीके से चीज़ें रखनी पड़ती हैं वरना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी फुल जो जैसे फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि समर में चीज़ों को किस तरह से स्टोर करें। इसी तरह से मील प्लानिंग मैं कर लेती हूँ पूरे वीक की कि मुझे पूरे हफ्ते में क्या क्या पकाना है, चाहे वो स्नैक हो, लंच हो या जो है कोई और चीज़ें हो, तो उससे मुझे फ़ायदा होता है कि अब मुझे पता होता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें बाय करनी थी, क्या क्या लिस्ट में था और अब मुझे क्या क्या पकाना है। इसी तरह से चिकन और जो है बीफ वगैरह मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कि चिकन कभी मैं बॉक्सेस में रखती हूँ, अगर जैसे बड़ा साइज़ होता है तो फिर ज़िपलॉक्स में रख लेती हूँ, और पोर्शन साइज़ बना लेती हूँ। मुझे जिस चीज़ के लिए चाहिए था, एक कढ़ाई के लिए चाहिए था, बिरयानी के लिए चाहिए था और बाकी 2 जो हैं कबाब बनाने थे मुझे, तो उसी तरह से मैंने पोर्शन डिवाइड कर लिए। अब उनको बिल्कुल फ्लैट रख के फ्रीज़ कर लूँगी और बाद में जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर उनको हॉरिजॉन्टल एडजस्ट कर दूँगी। बीफ़ को मैं ज़्यादातर बॉक्सेस में रखती हूँ, उसमें आसानी होती है, डिफ्रोस्ट भी उसी में हो जाता है, और बाकी वेजीज़ और फ्रूट्स वगैरह जो हैं ज़िपलॉक में जैसे मैं स्टोर कर लेती हूँ, जो भी मैं ब्लेंच करके रखती हूँ, और कुछ चीज़ें जार्स में रख लेती हूँ। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।